अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी, मैं मान रही हूँ गलती मेरी है, पर राधिका भी तो इस घर की बहू है ना। हाँ तो मैं तो बस ये कह रही थी कि गलती राधिका की नहीं है तो हमारी गलती है। देखो, तुमने उस गेंदा फूल को हमारे इस घर की बहू बनाकर हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। हमारे भैया का वचन टूटने वाला था, तुम सब लोगों की वजह से हम भाई बहन की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी, और ये बात हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते, और ना ही इतनी आसानी से हम उसे बहू मान सकते हैं। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा प्रभा कि इतनी गोल मटोल लड़की को तुमने दिव्यम के पल्ले बांधा कैसे। बेचारे हमारे पोते की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। उम्र में भी हमारे दिव्यम से बहुत बड़ी लगती है वो। आइए नौकरानी, हमारा मतलब है नौकरानी से बनी बहुरानी। वहीं रख दो। राधिका, मेरी वो ब्लू कलर वाली फाइल कहाँ है पता है तुम्हें? राधिका, राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी ब्लू कलर वाली फाइल चाहिए मुझे। कहीं दिख नहीं रही है, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी यार। यही वाली फाइल है ना? यही वाली फाइल है राधिका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा राधिका सुनो, मेरी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं कब तक चलेगी, हो सकता है कि रात को देर से लौटू घर पे। चलो राधिका, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान? बड़ी दादी ने शगुन का सिक्का नहीं दिया इसीलिए इतनी उदास हो? नहीं नहीं राधिका, अपने विश्वास पे विश्वास रखो। बड़ी दादी के सामने एक बहुत बड़ा सच है, उन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, लेकिन तुम तो तुम हो, सब कुछ ठीक कर दो। ओके, वेरी गुड। चलो दिव्यम जी। हाँ हाँ बोलो। बात पूछी? बस एक ही बात पूछोगी? पूछो। आप इस शादी से खुश तो है ना? राधिका, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठीक है दिव्यम जी। ऐसे तो हमारे जख्म अभी तक हरे हैं, पर खैर अब हम इस घर की बड़ी बहू हैं, तो अब यह वही होगा जो हम चाहेंगे। मैं चलता हूं। गोलू जी, आप भी ऑफिस जा रहे हैं? हम आपके लिए कोई फाइल ला दें? नहीं नहीं आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? अगर आप दफ्तर नहीं जाओगे तो वहाँ काम कौन संभालेगा? आप तो घर के बड़े बेटे हैं, तो काम पे सबसे पहला तो आपका हुआ ना। कल ही आज की मीटिंग दिव्यम संभाल रहा है, और वहाँ आज मेरा कोई काम नहीं, और हमारे घर में बड़े छोटे का कोई हिसाब किताब नहीं होता। शुरू से चाचू ने बिजनेस संभाला है, और उनके बाद दिव्यम देखता है। मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, और वक्त रहते सीखता भी जा रहा हूँ। लेकिन गोलू जी, दिव्यम जी के पीछे ऐसे पड़े थे हम, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ससुर जी और गोलू जी तो निठल्ले। हम अपने साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दे सकते, कुछ तो करना होगा। कली, खाना बनाना शुरू किया? तो ये सास जी और हमरा पीछा नहीं छोड़ती। आते हैं।
आज हम इंटरनेट पे देख के सबको ऐसा हलवा खिलाएंगे कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ भाभी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? नहीं देवरानी जी, हम खुद कर लेंगे, आप जाइए। हम बस ये पौधों में पानी डालने के लिए पानी लेने आए। जी विपिन जी, हाँ ठीक है, हम आपके लिए बादाम और अखरोट भिगो के रख देंगे। देवरानी जी, हमें अकेले काम करना है, आप जाएंगी? जी भाभी, आप अपना काम कर लीजिए, हम बाद में भिगो देंगे। आई बड़ी, हमें दिव्यम जी के नाम से जलाने की कोशिश कर रही थी। जला हुआ हलवा खिलाया, सबको लगेगा कि हमें खाना बनाना नहीं आता। कल प्रसाद भी खराब हो गया था, आज अगर हमारी पहली रसोई में कोई भी गड़बड़ हुई तो हम तो बड़ी दादी सास जी की नजरों में पक्का गिर जाएंगे, और हमारी सास जी को भी ताना मारने का एक और मौका मिल जाएगा, सो अलग। हम क्या करें? चलो आज एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। क्या भौजी, आप गांव जाना चाहती हैं? अब हम यहाँ रहकर भी क्या करेंगे, वैसे भी हमारा तो कोई मान है ही नहीं यहाँ पर, और तुम लोगों ने हमसे पूछे भी ना, हमारे प्यारे दिव्यम की उस गोल मटोल नौकरानी जैसे चेहरे वाली लड़की से शादी करवा दी, न उसके परिवार का कोई रुतबा है, न ही उसके बाप का कोई नाम। हमारी बात का, हमारी इज्जत का जब कोई मान ही नहीं है यहाँ, तो हमें भी नहीं रहना यहाँ, हम भी जा रहे हैं गांव वापस। ले, हमने तो सोचा था कि बुआ जी की मदद से इस गोल मुठी को दिव्यम की जिंदगी से बाहर करेंगे, पर ये तो जा रही है, अब क्या करें? हमने अपना टिकट करवा लिया है, बस कली की रसोई खाकर हम गांव चले जाएंगे। बुआ जी, पता नहीं कली बिटिया का हलवा कब तक बनेगा। अच्छा, तो तुम्हें बहुत जल्दी है हमारे जाने की। बुआ जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, है ना मम्मी जी? इतना हमारी उंगली, हमारा हाथ, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? हमारा हाथ थोड़ा सा चल गया देवरानी जी, हम जरा जाके इस पे टूथपेस्ट लगा कर आते हैं, वरना हमारे छाले पड़ जाएंगे। आप जरा हलवा देखिएगा। हाँ ये भाभी कैसा हलवा बना रही थी, इसे जला हलवा भाभी सबको बाहर परोसेंगी, सब बहुत नाराज हो जाएंगे, क्या करें? हम ही सही कर दे क्या इसे? नहीं नहीं, आज भाभी की पहली रसोई है, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन ऐसा जला हुआ हलवा बाहर परोसेंगी, सब उनसे बहुत नाराज हो जाएंगे और पहली रसोई में चार बातें सुना देंगे। भाभी की पहली रसोई का सब दिल से इंतजार कर रहे हैं, वो तो बढ़िया होनी ही चाहिए। हमें काम करते हैं, हम इसे सही कर देते हैं, फिर भाभी को बता देंगे, हमें पूरा यकीन है वो हमारी बात जरूर समझेंगे। क्या करें? नहीं नहीं, सूजी और डाली तो खराब हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं, सूजी में दूध डाल देते हैं और चाशनी में और ज्यादा पानी डाल देंगे तो सब सही हो जाएगा। राधिका,
दादी की रसोई में यहाँ क्या कर रही हो? वो बड़ी दादी, जब हम यहाँ आए थे ये जल रहा था। हे भगवान, हमने इतनी मेहनत से हलवा बनाया था देवरानी जी, आपने सब बर्बाद कर दिया। हमारी पहली रसोई खराब कर दी आपने। क्या हुआ? अरे हमने तो आपको सिर्फ हलवे पे नजर रखने के लिए कहा था, फिर आपने इसे छेड़ा क्यों? भाभी हम सिर्फ हलवे पे नजर ही रख रहे थे, लेकिन लेकिन क्या, हम आपकी जेठानी है, हमें घर में आए हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए हैं, और आप है कि आपको हमसे अभी से जलन होने लगी। अब हम अपनी पहली रसोई में सब घर वालों को क्या खिलाएंगे? हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे हमने माना कि कल हम भोग नहीं बना पाए थे, लेकिन आज हम अपनी पहली रसोई का काम पूरे सच्चे मन से कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था, लेकिन आपने तो कढ़ाई में पानी के साथ साथ हमारे अरमानों पे भी पानी फेर दिया देवरानी जी। गेंदा फूल, तुम्हारी हरकतों को हम पहले से बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और पहले भी कली तुम्हें पसंद नहीं थी, लेकिन अब तुम उसके काम में टांग अड़ा रही हो। लेकिन याद रखना, जब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम उसका कुछ बुरा नहीं होने देंगे। वो इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू। हम इस घर की छोटी बहू है बड़ी दादी। पर हम नहीं मानते, हम तुम्हें इस घर की बहू स्वीकार नहीं करते। लेकिन बुआ जी, आप राधिका को जानने की कोशिश तो कीजिए, सच में वो दिल की बहुत अच्छी है। जान भी लिया और देख भी लिया, देखा ना कि वो कली का सारा काम बिगाड़ रही थी। बड़ी दादी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें आपसे सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन आप ही बताइए ना, हम ऐसा क्या करें कि आप हमें अपनी बहू माने? हम कैसे अपनी गलती सुधारे, कैसे आपकी नाराजगी दूर करें? तुम हमारी नाराजगी दूर कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम ना तो दिव्यम की पत्नी बनने के लायक हो, न बंसल परिवार की बहू बनने के लायक हो। राधिका को एक मौका तो दीजिए, बहू होने के बावजूद उसने नौकरानी की तरह काम किया और एक बार भी शिकायत नहीं की। आजकल कौन सी बहू ऐसा करती है, इतना सहती है? जीजी, सच आप उससे क्या चाहती हैं? इसकी काबिलियत का प्रमाण। प्रभा, जग्गू, तुम दोनों अपनी मर्जी से इसको बहू बनाकर इस घर में लेकर आए थे, लेकिन इसे ये साबित करना होगा कि ये इस घर की बहू बनने लायक है या नहीं। इसे ये साबित करना होगा कि ये दिव्यम की पत्नी बनने लायक है कि नहीं। तो ठीक है बुआ जी, आप 15 दिन के लिए और रुक जाइए। अगर इन 15 दिनों में राधिका आपकी कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई, वो अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाई, तो उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा ना, वो हम सब घर वालों को मंजूर होगा। सुजाता, क्या कह रही हो तुम? हम कहाँ कुछ गलत कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि राधिका इन 15 दिनों में अपने अति सुंदर मन और अपने गुणों से अपनी काबिलियत बुआ जी के सामने साबित कर देगी। फिर आप देखिएगा, बुआ जी दिल से राधिका को इस परिवार की छोटी बहू और दिव्यम की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगी। क्यों राधिका, बताओ? हमें तो लगता है कि तुम्हें इस बात को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। बोलो गेंदा फूल, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? क्या इन 15 दिनों में तुम अपने आप को हर तरह से योग्य साबित कर पाओगी? भोलेनाथ, हमारी मदद करना। बड़ी दादी, आप इस घर की बड़ी हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद हमें हर हाल में चाहिए। हमारी दिली इच्छा है कि
कि आप पूरे दिल से हमें इस घर की बहू स्वीकारें और उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये किस चुनौती की बात चल रही है? कुछ नहीं मुन्ना, बस ऐसे ही बड़ों के बीच की बातें हो रही थी। तू अभी अभी थका रहा, ऑफिस से आया ना, तू चल फ्रेश हो, चल करके हाथ मुंह धो ले अच्छे से, हम तब तक तेरी पसंद की बढ़िया सी कॉफी बना कर लाते हैं। हाँ लेकिन माँ ये सब ठीक कहा ना, कुछ नहीं तो चल, कुछ नहीं है बेटा चल। माँ ये सब ये क्या बच्चों वाली बात होती है? अब राधिका इस घर की बहू है तो है, इसमें साबित करने वाली क्या बात है? और बड़ी दादी को राधिका नहीं पसंद है तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। लाइफ में ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो हमको नहीं पसंद। हम क्या सबको चुनौतियां फेंकते फिरते हैं कि सुनो हमको तुम पसंद नहीं हो, ये काम करो हमारे लिए फिर हमें तुम पसंद आओगे। नहीं माँ सुनना, अगर आपको अनजान नहीं पसंद हो ना तो आप उन अनजान लोगों से मुंह फेर करके जी सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में आप कब तक मुंह फेर करके चलेंगे? और परिवार में प्यार तो तभी बढ़ता है ना बेटा, जब सब बड़े छोटे एक दूसरे से प्यार करें, उन्हें चाहें, उनका सम्मान करें। और जब ससुराल में कोई भी नई बहू आती है ना तो ऐसी छोटी मोटी परीक्षाएं चुनौतियां तो चलती रहती हैं। हम भी जब इस घर में नए नए दुल्हन बनकर आए थे ना तो हमने भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था, तभी तो आज जाकर के घर परिवार में सबका दिल जीत पाए। और राधिका भी तो यही चाहती है ना कि उसकी बड़ी दादी उसे दिल से अपनाए, उसे प्यार करे, तो उसे करने देना जो उसे करना है। लेकिन मैं ये बेटा तुमने देखा ना, दिव्यम तो मानने को ही नहीं तैयार है कि ससुराल में बहुओं को सबका दिल जीतने के लिए ऐसी छोटी मोटी तकलीफों को झेलना ही पड़ता है। हो सकता है दिव्यम तुम्हें ऐसा करने से मना करे, लेकिन तुम अपनी बात पर टिके रहना, क्योंकि यही एक रास्ता है बुआ जी का दिल जीतने का। कहीं ऐसा ना हो कि दिव्यम गुस्से में आकर के बुआ जी से कुछ कह दे और फिर बुआ जी नाराज होकर के घर छोड़कर चले जाएं। तुम तो समझती हो ना बेटा, तुम समझदार हो। माँ जी आप परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी को समझा देंगे। हमें पूरा विश्वास है तुम्हारी इस समझदारी पर। हमें पता है कि तुम अपनी सूझबूझ से समझदारी से बुआ जी का दिल भी जीत लोगी और दिव्यम को भी मना लोगी। दिव्यम जी आपकी कॉफी। विम जी हमें बड़ी दादी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आप भी मत मानिए ना बुरा, ये कॉफी पी लीजिए। विम जी प्लीज कॉफी पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। विम जी एक काम करो, सर पे रख दो तुम मेरी ये कॉफी, ठंडी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम राधिका, पागल वागल हो गई हो क्या? दिव्यम जी आपकी इसी हंसी के लिए तो हम ऐसा पागलपन करते रहते हैं। अच्छा अब तो पी लीजिए कॉफी।
मैं हंस रहा हूँ ना राधिका, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? नहीं नहीं, तुम ना रहने दो, सिंपल लाइफ से बोर हो गई थी ना राधिका बंसल, इसलिए ये चैलेंज वाला ड्रामा तुमने ले लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, खूब। अब ये गुड बहू, वर्स्ट बहू, वर्स्ट टेस्ट बहू, तुम अपने आप को साबित कर दो। दिव्यम जी, जिंदगी भी तो इसी का नाम है ना, हर पल एक नया मुकाबला, नई चुनौती, नए काम। आपके ऑफिस में भी तो ऐसा ही होता है ना, एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आपको हमारी फिक्र है। गलत फहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है राधिका, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। दिव्यम जी, लेकिन हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो, इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। पर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो बोले ना, तो सब कुछ सही कर देंगे। सही कहा ना मैंने? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।